यूक्रेन युद्ध शुरू होने के 1 साल 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ये युद्ध अभी तक शांत नहीं हुआ है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों को बनाए गए मुख्यालय का दौरा किया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति भीषण लड़ाई का गवाह रह चुके खेरसान शहर में अचानक पहुंचे और लहुंसक क्षेत्र में आता है और अब जहां रूस की पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। मार्च के बाद से रूस के कब्जे वाले यूक्रेन क्षेत्रों में व्लादिमीर पुतिन की यह दूसरी यात्रा है। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने व्लादिमीर पुतिन के खेरसान जाने का एक वीडियो जारी किया है, जिसे रूसी राष्ट्र टेलीविजन ने प्रसारित किया है। इस वीडियो में पुतिन को दक्षिणी खेरसान क्षेत्र में रूसी सेना के कमांड पोस्ट पर जाते हुए दिखाया गया है। वीडियो में पुतिन को हेलीकॉप्टर से आते हुए दिखाया गया है। इस दौरान पुतिन ने रूसी अधिकारियों से युद्ध को लेकर जानकारियां ली हैं। रूसी कमांडरों से युद्ध संबंधित रिपोर्ट लेने के लिए व्लादिमीर पुतिन हेलीकॉप्टर से पूर्व लहुंसक क्षेत्र के रूसी नेशनल गार्ड के मुख्यालय गए। दोनों जगह पर पुतिन ने रविवार को मनाए जाने वाले ईस्टर पर सेना को बधाई दी और उन्हें प्रतीक भेंट की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज़।